ओके, तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देख लिया क्या इमोशनल ईएमएफ, और उससे पहले हमने देखा था फ्लक्स के बारे में, ठीक है ना। तो आपने डीपीपी वन और डीपीपी टू भी कंप्लीट कर ली है। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टर एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, सो टुडेज देर आर थ्री टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट, और सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन। चलिए इसको देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन, सुनो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। अब देखो, अब इसमें होता क्या है सेल्फ इंडक्शन में। सबसे पहले लेट मी हैव अ कॉइल हियर, लेट अस से मेरे पास यहाँ पे कॉइल बन गया, ठीक है ना। लेट अस से ये कॉइल है, और इस कॉइल में मैंने एक करंट को भेजा। जब मैं यहां से करंट को एंटर करवाऊंगा तो व्हाट विल हैपन, इस करंट के यहां पर मूव होने के कारण, ठीक है ना, तो ये जो पूरी की पूरी अपनी कॉइल है, ओके, तो मोहित ध्यान से सुनना, दिस इज द न्यू टॉपिक विच इज सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में मैंने अभी तक तो कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक कॉइल ड्रॉ किया है। ओके, तो लेट अस से ये मेरे पास एक कॉइल है, सोलेनॉइड की तरह है, ठीक है ना, सोलेनॉइड, और मैंने इस सोलेनॉइड में एक करंट को पास किया। जब मैं इस कॉइल में से करंट को पास करूंगा तो व्हाट विल हैपन, इसकी जो बाकी की कॉइल है वो सारी की सारी उसके अंदर एक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। सो मैं अब यहाँ पे कहूंगा कि जो इसका फ्लक्स है, मान लो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी होने लगा, समथिंग लाइक दिस। तो जब इसका मैग्नेटिक फील्ड वेरी हुआ तो फ्लक्स इसका इंक्रीज हुआ। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो आपकी जो कॉयल है वो हमेशा हमें ये कहती है कि भी मेरे अंदर फ्लक्स इंक्रीज मत करो, जितना फ्लक्स था उतना ही रहने दो। तो फ्लक्स को ये इंक्रीज नहीं होने देगी, मतलब ये एक काउंटर इंडक्शन प्रोवाइड करेगा। तो अगर यहां पर मेरे पास, मैं जब करंट को वेरी कर रहा हूं, मान लो मैं एक कांस्टेंट करंट नहीं वेरी कर रहा हूं, अगर मेरे पास करंट कांस्टेंट है, लेट अस से दैट दिस इज अ कांस्टेंट करंट, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, एक कांस्टेंट करंट मूव करने लगेगा आपके सोलेनोइड से। अगर वो कांस्टेंट करंट मूव कर रहा है तो फ्लक्स की एक कांस्टेंट वैल्यू फिट हो जाएगी। जब फ्लक्स की एक कांस्टेंट वैल्यू फिट हो गई, द फ्लक्स इज नॉट वेरिएबल, तो इंडक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब मैं अगर आपके पास ये कंडीशन ले लूं कि ये जो करंट है ये वेरी कर रहा है, एंड इट इज वेरिंग, तो लेट अस से कि डीआई बाय डीटी इट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड डीआई बाय डीटी इज हैविंग सर्टेन वैल्यू, सो करंट इज अ वेरिएबल। अगर ये करंट वेरिएबल है तो इसका जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल होगा वो भी वेरिएबल होगा। अगर वो वेरिएबल होगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगी, और वो ईएमएफ ऐसी होगी जो इस करंट को इंक्रीज या डिक्रीज होने नहीं देगी, उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो सेल्फ इंडक्शन को मैं यहां पर डिफाइन करने वाला हूं। सुनाओ, व्हेन व्हेन अ चेंजिंग करंट, व्हेन अ चेंजिंग करंट फ्लोज थ्रू कॉयल, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉयल चेंजेस एंड एन अपोजिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ओके, ठीक दिस ईएमएफ इज कॉल्ड बैक ईएमएफ
और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और सेल्फ इंड्यूस्ड, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ मतलब कि मेरे कॉइल अपने आप को ही अपोज कर रही है। मेरी कॉइल थी, मैंने उसमें करंट पास किया, करंट एक वेरिएबल था, उसके कारण फ्लक्स वेरिएबल हो गया, तो मेरी कॉइल ने अपने आप ही एक ईएमएफ जनरेट किया अपनी मर्जी से ही, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना शुरू कर दिया। अगर करंट इंक्रीज हो रहा था तो इसने करंट को डिक्रीज करने की कोशिश की, अगर करंट डिक्रीज हो रहा था तो इसने करंट को इंक्रीज करने की कोशिश की, ठीक है। सो एक ईएमएफ यहां पर इंड्यूस होगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं द फ्लक्स फाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, ठीक है। यहां पर मैं फ्लक्स का एक नया फॉर्मूला ड्राइव करने वाला हूं, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज द करंट दैट इज फ्लोइंग इन दिस, तो phi is equal to I, और यहां पर मैं लिखूंगा phi is equal to L into I, where L is the constant of proportionality which is known as self inductance। तो ये अपने आप में एक नई फिजिकल क्वांटिटी से हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। ये बिल्कुल करंट की तरह है, हमने क्या बोला था पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ओम्स लॉ, और उसमें हमने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस किया था और वो था रेजिस्टेंस। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, फाई और आई को हम रिलेट कर रहे हैं और बीच में हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया, दैट इज एल, सेल्फ इंडक्टेंस, ओके। चलो, तो अब बैक ईएमएफ कितना जनरेट हुआ होगा, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस, नाउ एल इज कांस्टेंट तो एल को मैंने बाहर ले लिया, डी आई बाई डी टी, तो ये बन गया आपके पास बैक ईएमएफ का फॉर्मूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज बैक ईएमएफ ई, और सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट्स हेनरी, ये एसआई यूनिट है हेनरी, एंड इट इज रिटन एज वोल्ट सेकंड पर एम्पियर आल्सो, ठीक है ना। तो ये हो गया वोल्ट, यहां से ये हो गया वोल्ट, और टाइम को वोल्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। अगर मैं यहां पर इससे कंपेयर करता हूं तो टी से टी कैंसिल हो जाता है, सेकंड और सेकंड कैंसिल, तो मेरे पास रह जाता है सिर्फ फ्लक्स। तो फ्लक्स का क्या होता है, वेबर, तो वेबर पर एम्पियर, तो इसका एक और बन गया, नाउ दैट कैन बी कॉल्ड वेबर पर एम्पियर, दिस इज अनदर यूनिट। वैसे द मोस्ट वाइडली यूनिट यूज्ड इज हेनरी, एंड वी विल यूज हेनरी ओनली। बिल्कुल कैपेसिटेंस की तरह है ये, ठीक है। तो जैसे कैपेसिटेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं सी से, हम शो करते हैं कैपेसिटेंस फैराड, ठीक है ना। तो ये हो गया L और इसका यूनिट हो गया हेनरी, तो उसका कंपैरिजन हम करेंगे बाद में। तो ये आपके पास बन जाता है सेल्फ इंडक्शन, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ओके। तो उसके आगे चलते हैं डायमेंशंस, डायमेंशंस भी इसके याद ही करने पड़ेंगे बिकॉज दे आर नॉट डिराइवेबल, इसको डिराइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये हो गया आपके पास डायमेंशंस। तो इसके बाद हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं, चलो एप्लीकेशन। सो लेट अस फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस of a solenoid. तो solenoid का self inductance हम find करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर तो हमने solenoid का ही एक example लिया था,
तो हमने यहाँ पर ये सारी चीज क्रिएट कर ली, तो ये हमारे लिए एक नया फॉर्मूला है। यहाँ पर मैं ये बात भी पॉइंट करना चाहूंगा कि फ्लक्स, अभी तक आप फ्लक्स के बारे में ये जानते थे कि फ्लक्स इज बी डॉट एस, और इसको हम लिखते थे बी एस कॉस थीटा, और उसके बाद हमने बताया था फेराडे ने दैट ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। तो डिपेंड करता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एरिया वेरी कर रहा है, या फिर थीटा वेरी कर रहा है। अगर बी वेरी कर रहा है तो उसके एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं, एरिया वेरी करेगा तो उसको हम बोलेंगे मोशनल ईएमएफ, वो भी हम कर चुके हैं, थीटा वेरी करेगा तो वो बनेगा हमारे पास एसी जनरेटर, जो कि कल वाले लेक्चर में हम करेंगे, जो हमने अभी तक नहीं किया बट वी विल बी डूइंग इट टुमारो। तो थीटा, तो ये तीन चीजें, तो यहां तक तो हमने किया था, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर एक नया फार्मूला बन गया दैट फाइ इज इक्वल टू एल आई, और यहाँ पर मेरे पास बना हुआ है फाइ इज इक्वल टू बी एस। ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, दिस बोथ आर एक्चुअली मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम रहेगा, बट दीज टू दे बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ओके, तो अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ इस एल की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एल। एल विल डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट, कि मेरे पास क्या चीज है भाई। आपके पास सोलेनोइड है, कॉयल है, रेक्टेंगुलर कॉयल है, स्क्वायर कॉयल है, सर्कुलर कॉयल है, आपके पास क्या चीज है ये उस पर डिपेंड करता है। तो प्रेजेंटली वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल इन द केस ऑफ सोलेनोइड। यहां पर मैं ये बात भी पॉइंट कर देता हूं दैट दिस इज अ जनरल मेथड, विच कैन बी अप्लाइड इन मैनी अदर केसेस टू फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सो एंड सो कॉइल। तो इसको जब मैं करूंगा तो आपने एक जनरल मेथड के अकॉर्डिंग सोच के समझ के करना है कि भाई अगर कुछ और होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो लेट अस स्टार्ट फॉर द केस ऑफ सोलेनोइड। सुना व्हाट विल हैपन, एल हमें देखना है, ठीक है ना। तो दिस इज माय सोलेनोइड, लाइक दिस, ओके। और मैंने इसमें से करंट को पुश किया, लेट अस कॉल इट आई, ठीक है। आई करंट मैंने यहां से जाने दिया, तो यहां से आएगा, पुराने वाली बात ही लिख रहा हूं। सो वी नो दैट द फ्लक्स फाई दैट विल बी इक्वल टू एल इनटू आई। तो यहां से मैं ईएमएफ फाइंड करते हैं। ओके, फाई इज इक्वल टू एल इन टू आई, यहीं तक रखो आप। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर वन। ऑल्सो द सेम फ्लक्स फाई कैन बी इक्वेटेड विद बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब इन दोनों को मैं रिलेट करूंगा, इक्वेटिंग बोथ एल इन टू आई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो यहां पर अब मैं थीटा को जीरो ले रहा हूं, थीटा है क्या दी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द सोलेनोइड। यू कैन सी दैट इट इज डेफिनेटली कमिंग आउट टू बी इक्वल टू जीरो। अगर मैं ये सेंट्रल लाइन पर देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है और वो भी इधर ही है। ये हो गया लाइक दिस, ओके। तो आपके पास बी और ए दोनों का जो एंगल हो गया दैट इज कमिंग आउट टू बी जीरो। एरिया कहाँ है, एरिया ये रहा, दिस इज एरिया, एंड एरिया इज ऑल्सो लुकिंग इन द सेम डायरेक्शन, सो द एंगल इज जीरो, ओके। तो ये हो गया एल आई इंटू बी आई। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, तो सोलेनोइड है तो आई विल ट्रीट इट लाइक इनफाइनाइट सोलेनोइड। तो यहां पर मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू ए, ए इज द टोटल एरिया, तो ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसको मुझे एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैपिटल एन से, एंड दैट विल बी इक्वल टू एल इंटू आई। और यहां पर मैं लिख रहा हूँ वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स।
ओके तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमने, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा म्यू नॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ एन डिवाइडेड बाई एल इंटू आई इंटू ए इंटू एन. सो अगेन आई गॉट इट, म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाई एल इंटू आई एंड दिस इज एल इंटू आई. तो यहाँ से मैं आई को आई से कैंसिल कर दूंगा, इट्स वेरी सिंपल. सो आई गॉट एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई एल. तो इसको आपने नोट कर लेना है बच्चे, दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी इंटेंडेड टू कैलकुलेट, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. तो आप किसी भी एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं एंड दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो बच्चे यहां पर मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं एक नए एलिमेंट से, तो जिसको हम बोलते हैं इंडक्टर. तो ये हमारे पास जो कॉइल आती है, दिस कॉइल, यू कॉल दिस कॉइल एज एन इंडक्टर ऑल्सो, इसको हम बोलते हैं इंडक्टर और इसको एल से डिनोट किया जाता है. तो ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस का सिंबल देखो आप और इंडक्टर का सिंबल देखो आप, तो इसको एल लिखते हैं, इसको आर लिखते हैं और इसको हम लिखते हैं रेजिस्टर. तो रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर. तो यहां पर आ जाएगा आपका इंडक्टेंस, यहां आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस. ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर एल, यहाँ पर आर, ठीक है, हेनरी, और इसको हम बोलते हैं ओम, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. इसकी बाकी जो कंपैरिजन टेबल है वो हम आगे वाले चैप्टर में करने वाले हैं, वो अभी नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे इंडक्टर का, तो वो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ. लेकिन उससे पहले कमिंग बैक टू अवर टॉपिक विच इज सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये हमारे पास काम यहाँ पे खत्म हो गया. तो देखो बच्चों, जैसे हमने पहले रेजिस्टर का फार्मूला बनाया था जिसमें हमारे पास रेजिस्टिविटी आई थी और वो सारा कुछ हमने क्रिएट किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इंडक्टेंस का फार्मूला क्रिएट कर लिया. तो इस एलिमेंट को हम बोलते हैं इंडक्टर और पहले वाले एलिमेंट को हम बोलते थे रेजिस्टर. तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए. ठीक है ना, देखो यहां तक तो मेरे पास ये कॉइल इज ट्रीटेड एज अ सोलेनोइड, बट जब मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर दूंगा तो आई एम ट्रीटिंग इट एज एन इंडक्टर. बाकी चीजें बात में, चलो तो ये हो गया बच्चे आपका सेल्फ इंडक्टेंस फॉर फॉर अ सोलेनोइड, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनोइड. अब कल आपको वहां पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज, आपको कोई और कॉइल दे दी जाएगी इंस्टेड ऑफ ए सोलेनोइड. मान लो मैं आपको दो रिंग्स दे देता हूं एंड आई से दैट यू नीड टू फाइंड द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द रिंग. एक रिंग बना दी मैंने और रिंग में से मेरे पास मैंने जब करंट फ्लो किया तो वहां पर भी इंडक्शन होगा और बैक ईएमएफ क्रिएट होगा. ठीक है, तो मैं अब जैसे चलो एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं. तो ये हो गया आपके पास सोलेनोइड. सो लेट अस ट्राई फॉर अनदर थिंग विच इज रिंग. सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ रिंग. ठीक है, तो अब मेरे पास यहां पर मैंने बना दिए करंट. लेट अस से दिस इज द रिंग. ठीक है, और इस रिंग में मेरे पास करंट मैंने फ्लो करवाया आई. सो क्या इसका भी सेल्फ इंडक्शन होगा? तो आई हैव टू सी इट. तो मैं बिल्कुल सेम तरीके में ही मूव करूंगा. तो सबसे पहले मेरे पास आ गया phi इज इक्वल टू एल इंटू आई और दूसरा मेरे पास आ जाएगा phi इज इक्वल टू बी इंटू ए. सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ रिंग बिकॉज ऑफ अ रिंग? तो इसका मेरे पास फार्मूला है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर ए जो रेडियस है इंटू दैट इज 2 पाई. तो इंटू द एरिया ऑफ दिस, तो यू कैन कॉल इट पाई इंटू ए स्क्वायर. तो ए इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग. तो ये हो गया. तो अगेन इक्वेटिंग वन एंड टू. वन एंड टू वी गेट. तो यहां से मैं लिखूंगा एल इंटू आई
विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए इंटू 2 पाई इंटू पाई ए स्क्वायर। तो ए से ये वाला ए गया, 4 पाई ये गया और मैंने यहाँ पर कर दिया 2, एंड फ्रॉम आई आई कट गया। सो आई गॉट दैट सेल्फ इंडक्टेंस फॉर दिस इज गिवन बाय म्यू नॉट पाई ए बाय 2। सो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ रिंग। हाँ भाई बच्चों, कोई डाउट इसमें? हाँ भाई, यानी बड़ी आगे चल दूं? हाँ ठीक जी है, सर। तो ये आपके पास हो गया सेल्फ इंडक्टेंस बच्चे। तो सेल्फ इंडक्टेंस का ये सिस्टम आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने देखो हमने क्या किया, सेल्फ इंडक्टेंस को हमने डिफाइन किया। हमने बोला कि जो भी कोई कॉइल होगी, जब आप उसमें करंट दोगे तो उसका खुद का भी तो फ्लक्स चेंज होगा, तो उसके कारण ये कॉइल क्या करती है, खुद एक गलत इंडक्शन प्रोवाइड करती है, और आपके जो आपकी जो सर्किट होता है जिसमें आपने जितनी बैटरी लगाई होती है उतनी वोल्टेज वो वहां पर देने नहीं देता, एक बैक ईएमएफ जनरेट करता है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया उसका एक जनरल फार्मूला, एंड वी हैव कॉल्ड इट बैक ईएमएफ। और जब मैंने उसको फाइंड किया तो मैंने सोलेनोइड के केस में फाइंड करके दिखाया आपको। सो दिस इज द एप्लीकेशन नंबर 1, एंड देन मैंने आपको एक रिंग में भी उसको फाइंड करके देखा। सो दिस इज एप्लीकेशन नंबर 2, तो रिंग में भी हो गया। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, देखो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये तो चलो सेल्फ इंडक्टेंस तो एक अलग ही चीज़ है, जैसे हमारा रेजिस्टेंस है, तो उसी प्रकार इसकी एक प्रॉपर्टी बन गई सेल्फ इंडक्टेंस के, भाई ये आपकी ईएमएफ को खराब करेगा। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि करंट को पास करने में तकलीफ होगी, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस का क्या मतलब है, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है कि आपने इसमें जितनी भी बैटरी लगाई थी, जैसे कि मान लो मैंने जब इस सर्किट में करंट को पास किया, तो करंट को कैसे पास किया होगा, यहाँ पर कोई बैटरी लगाई होगी मैंने, और मान लो मेरे पास बैटरी का ईएमएफ था ई, तो जब मैं इसको मैं करूंगा तो मैं ये पाऊंगा कि मेरी जो नेट ईएमएफ मेरे पास यहाँ पर जुड़ रही है दैट इज नॉट ई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सर्टेन बैक ईएमएफ मेरे पास यहाँ पर बन गया, ये मेरे पास हो गया बैक ईएमएफ, और ये मेरे पास ईएमएफ है जो मैंने यहाँ पर अप्लाई की। तो सोचा जाए तो मेरे सर्किट में नेट ईएमएफ कितना अप्लाई हुआ, सो ई नेट जो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा, सो दैट विल कम आउट टू बी ई माइनस ई, तो ये मेरे पास नेट आएगा। तो आप सोच के देखोगे कि आपका जो सर्किट है उसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस हो गया वायर में, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है कि मैं करंट को पार पार नहीं जाने दूंगा, और सेल्फ इंडक्टेंस का क्या प्रॉपर्टी है कि आपने जितनी ईएमएफ की बैटरी लगाई मैं उसको काम करने नहीं दूंगा। ठीक है ना, तो यहां पर एक गड़बड़ हो जाती है, तो ये मेरे पास आ जाता है ई नेट। ये बात क्लियर होगी बच्चे, और ये कहां से आएगा आप फाइंड कर सकते हो। तो यहां से एक कंक्लूजन और हमें जंप करना है, जैसे मैं यहां पर बैक ईएमएफ मैंने फाइंड किया था ई इज इक्वल टू दिस माइनस एल डीआई बाय डीटी, सिमिलरली मैं यहां पर बैक ईएमएफ भी फाइंड कर सकता हूं। मैं यहां लिखता हूं बैक ईएमएफ ई, इट विल बी लाइक माइनस एल डीआई बाय डीटी, और एल को मैंने लिख दिया ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा म्यू नॉट पाई ए बाय 2 इंटू डी आई बाय डी टी द रेट एट विच द करंट इज चेंजिंग, बिकॉज इफ करंट इज नॉट चेंजिंग फ्लक्स विल नॉट चेंज। हम चाहते हैं कि फ्लक्स चेंज होता रहे, तो करंट हमें एक वेरिएशन में देना पड़ेगा। खैर अगर मैं डीसी करंट लगाऊंगा तो ये करंट ज्यादा वेरी नहीं कर पाएगा, बहुत ही कम टाइम के लिए वेरी करेगा। तो यहां पर मैंने लिखा डी आई बाय डी टी, और ये बहुत ही कम टाइम के लिए वेरी करेगा, और जब तक ये वेरी करेगा इट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट करंट, और ट्रांजिएंट करंट के लिए ये वाले जो बैक ईएमएफ है ये वर्क करती रहेगी टिल द ट्रांजिएंट करंट। मतलब जब तक स्टेडी स्टेट अचीव नहीं हो जाती। तो इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन तब तक के लिए सिर्फ इतना ही।
तो ये हो गया आपके पास, ऐसे हम बैक ईएमएफ फाइंड करते हैं और यहाँ पर बैटरी लग जाती है। चलिए इतनी डिटेल में वैसे जाना नहीं पड़ेगा हमें। चलो तो ये हो गया आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस फॉर द रिंग। सो नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंडक्टर। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे इंडक्टर। तो जो मेरे पास अब ये कॉयल बन गई इसको हम बोलते हैं इंडक्टर। तो लेट अस से ये रही मेरी कॉयल, तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से बना दूं, ठीक है, तो ये एक कॉयल है, ये एक सोलेनॉइड है, लेकिन इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट सोलेनॉइड और कॉलिंग इट समथिंग एल्स आई विल कॉल इट इंडक्टर। तो ये मेरे पास एक अलग एक प्रॉपर्टी बन जाती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा, देयर विल बी थ्री थिंग्स, ठीक है। एक होता है मेरे पास रेजिस्टर, एक होता है मेरे पास कैपेसिटर और एक होता है इंडक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर थ्री एलिमेंट्स, ठीक है ना, इन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नंबर वन रेजिस्टर, नंबर टू कैपेसिटर एंड नंबर थ्री इज इंडक्टर। रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ये तीन एलिमेंट्स हैं हमारे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, थ्री एलिमेंट्स ऑफ अब आप यहां पर मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान के देखो कि आपका एग्जाम्पल चल रहा है फैन। अब आपके सिर के ऊपर पंखा चल रहा है, अब वो फैन का क्या फंक्शन होता है? आप देखो, फैन जब हमारे पास, हम जैसे मान लो उसको 5 नंबर पे चलाएं तो फैन की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि यार अगर मैं इस फैन को 5 नंबर पे चला रहा हूँ तो भी ये स्पीड हाई नहीं जा रही और ये क्यों 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 की आवाज भी दे रहा है और इसमें साउंड पॉल्यूशन सी हुई जा रही है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, हम किसी बंदे को बुलाते हैं, तो बंदा बोलता है कि सर इसका कैपेसिटर खराब हो चुका है, आप इसका कैपेसिटर बदल दो। तो फैन का हम कैपेसिटर बदलते हैं, इट मींस के फैन के अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो फैन के अंदर वायर है, वायर है तो रजिस्टर तो है ही है, तो रजिस्टर भी है और कैपेसिटर खराब हो गया है। लेकिन मैं पूछता हूँ भाई कैपेसिटर लगाया क्यों है? क्योंकि वहां पर एक इंडक्टर होता है। इंडक्टर क्या होता है? एक कॉयल होती है। तो पंखे के अंदर हमारे पास एक कॉयल होता है, जहां पर भी आपके पास रोटेशन होगा वहां पर एक कॉइल होगी, चाहे आपका मोटर हो, जनरेटर हो, पंखा हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, जहां पर भी आप देखोगे आपको एक कॉइल मिलेगा, बिना कॉइल के रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो जहां पर भी हमारे पास एक किस तरह का कॉइल बन गया, अब उसको सोलेनॉइड बोलो, टोरॉइड बोलो, जैसा भी बोलो, इट विल स्टार्ट वर्किंग लाइक एन इंडक्टर। तो मेरे पास फैन एक टिपिकल एग्जाम्पल है जिसमें मेरे पास रेजिस्टर प्लस कैपेसिटर और इंडक्टर, ये तीनों की तीनों चीजें मेरे पास वहां पर इकट्ठी लगती हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ठीक है। तो इंडक्टर एक उसी प्रकार का एलिमेंट है जैसा रेजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं। तो इसमें भी हम वैसी ही चीजें करेंगे जैसा हम पहले करते आए, तो देखते हैं क्या क्या होगा। अब इसमें सर्किट हमारे पास बनेगा, जैसे कि ये हो गया सर्किट। तो सर्किट में यहां पर मैंने लगा दिया एक रेजिस्टेंस, ये बन गया इंडक्टर और यहां पर मेरे पास लग गई एक बैटरी। सो इस तरह का सर्किट बनता है बच्चे, इस तरह के सर्किट्स बनेंगे, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो बाद में जाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ इसके सीरीज कॉम्बिनेशंस। तो अब इंडक्टर आपको पता चल गया कि इंडक्टर क्या होता है। सो लेट अस नाउ गो टू द कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस। कॉम्बिनेशंस इंडक्टर, इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन रहेंगे? बिल्कुल वैसे ही सीरीज एंड पैरेलल।
तो सीरीज एंड पैरेलल में कॉम्बिनेशन में चला गया, जैसे कि हमारे पास कैपेसिटर और रेजिस्टर जाते थे। तो बिल्कुल सेम चीज है हमारे पास सीरीज में, क्या होगा व्हेन द करंट पासिंग थ्रू इट इज सेम, सो दैट इज सीरीज। तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह ही मूव करेंगे। तो आई कैन से दैट दीज टू दे आर इन सीरीज। तो ये हो गया L1, ये हो गया L2, एंड इनमें बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जब आप करंट यहाँ पर पास करोगे तो इनके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है हम उसको सम करेंगे। सो लेट अस से यहाँ पे मैं किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करूँगा, लेट मी कॉल दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B। तो पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन करता हूँ, अब किरचॉफ लॉ को याद रखना, ठीक है ना। VA और VA मान लो मेरे पास पोटेंशियल था A पर, तो यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी टेकन एज सेम। तो वो हो जाएगा माइनस L1 di/dt, और दूसरे का हो जाएगा माइनस L2 di/dt, एंड दिस विल बी इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB दैट इज द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, that can be written as L1 into di/dt तो यहां से मैं di/dt कॉमन ले लूंगा, di/dt। तो ये बन गया बाय किरचॉफ्स लॉ। और यहां से मैं कह सकता हूं सो जो इफेक्टिव एल आएगा, ठीक है ना, एल इफेक्टिव दैट कैन बी रिटन एज इक्विवेलेंट। तो ये बिल्कुल वही बन गया जो हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए बनता था। अभी बच्चे समझ में आ रहा है, मैंने यहां पर देखो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया है। अगर आप लोग बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हो, मुझे बोल सकते हो। हाँ भाई, और बैक ईएमएफ हमेशा ही नेगेटिव होगा, यहाँ पर बैक ईएमएफ हमेशा नेगेटिव, माइनस ही, और यहाँ पर भी ड्रॉप जो होगा नेगेटिव। तो ये बिल्कुल एक बैटरी की तरह एक्ट करेगा। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी लगी हो, लेट अस कॉल इट E1 E2। तो बैटरी लगी हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मैं जो मैं ट्रेवल करूंगा, तो अगर मैं पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी मेरे पास पहले आ रहा है, मैं VA से VB की तरफ ट्रेवल कर रहा हूं, तो अगर मैं ऐसे ट्रेवल करता हूं तो मेरे पास पॉजिटिव एंड आ रहा है तो आई विल टेक इट नेगेटिव। तो मैंने बिल्कुल नेगेटिव लिया और फिर मेरे पास ये चीज बन गई। हाँ भाई, बाकी सब मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, येस और नो में आंसर दो भाई। हाँ जी सर। ओके, तो मैंने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया था। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो पिछला चैप्टर का किरचॉफ्स लॉ आप एक बार रिविजिट कर लेना, देख लेना। तो सिमिलरली जब मैं इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जाऊंगा तो व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम, सो लेट अस पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बिल्कुल उसी की तरह ही जाएगा। विल बी लाइक दिस। ओके, तो ये मेरे पास बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मुझे देखना पड़ेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सोचने दो क्या होगा। चलो, तो यहां पर करंट डिवाइड होगा, आपको पता है कि ऊपर करंट कुछ और जाएगा और नीचे करंट कुछ और जाएगा, I1 and I2, ठीक है। और यहां पर मैं बिल्कुल पुराने वाली कंडीशन लगाऊंगा दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इट आई विल गेट
आई टू बाई डी टी, ठीक है, और डी आई बाई डी टी इज द टोटल दैट इज चेंजिंग. तो यहां पर ये चीज आ गया एंड आई ऑल्सो नो दिस विल बी नंबर वन. ऑल्सो ऑल्सो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल एल वन डी आई वन बाई डी टी विल बी इक्वल टू एल टू डी आई टू बाई डी टी. ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समझ में आ रहा है बच्चे? तो यहां पे अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इसको, डी आई बाई डी टी को सब्स्टिट्यूट कर देते. Di by dt is equal to या फिर हम ऐसा करो, ये सब्सटीट्यूशन से बेटर एक और मेथड भी है. ये टू मेरे पास आ गया, ठीक है, तो वी आर नॉट सब्सटीट्यूटिंग, हम मल्टीप्लाई करते थे दोनों तरफ. तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या करने वाला हूं, आई एम री राइटिंग द फर्स्ट इक्वेशन. तो अब डी आई बाय डी टी विल बी इक्वल टू, तो एल वन डी आई वन बाय डी टी, तो एल वन से इसको डिवाइड कर दो, प्लस एल टू डी आई टू बाय डी टी डिवाइडेड बाय एल टू. अब एल वन डी आई वन बाय डी टू और ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, सो दैट विल बी इक्वल टू ई ई बाय एल वन प्लस ई बाय एल टू, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू द टोटल द बैटरी विच आई हैव अप्लाइड. तो डी आई बाई डी टी को मैं यहां पर लिख सकता हूं, जैसे मान लो यहां पर मैं एल डिवाइडेड बाय एल कर देता हूं, एल इक्विवेलेंट, ओके ओके, और वन बाय एल इक्विवेलेंट इंटू एल इंटू डी आई बाय dt. So this will again be E, क्योंकि आपका पूरे का पूरा वोल्टेज डिफरेंस आएगा, तो ये E और ये E कैंसिल हो जाएगा. So we are getting 1L equivalent is equal to 1 by L1 plus 1 by L2. तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस वाले की तरह ही बनेगा. So there you go. तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरफ हो गया, 1 by L equivalent is equal to 1 plus L1 plus 1 by L2. हाँ भाई बच्चों, क्लियर हो गया? हाँ जी सर. ठीक है, तो अब आप जान ही चुके होंगे कि अब जब आप डीपीपी करोगे, कोई क्वेश्चंस करोगे, तो उसमें जहान भर के क्वेश्चंस आए होंगे, जैसे कि सर्किट्स बन चुके होंगे और वो सर्किट्स का आपको एल इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा, व्हाट इज द इंडक्टर इक्विवेलेंट. तो यू कैन डू दैट, क्योंकि आपने आर इक्विवेलेंट सारे के सारे फाइंड किए हुए हैं. तो सिमिलर तरीके में ही हम इसको करेंगे, लेकिन जो एल आर सर्किट होगा जिसमें आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों इकट्ठे होंगे, वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट चैप्टर, नॉट नाउ. ओके, सो दिस इज वन बाय एल इक्वल टू दिस. तो ये हो गया आपके पास इंडक्टर. तो इंडक्टर को मैं यहीं पर क्लोज करूंगा. सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या मतलब है, अब आप ये देखें. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, व्हेन देयर आर टू कॉइल्स. ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन, ओके, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉयल ड्यू टू अ चेंज इन करंट इन नेबरिंग कॉयल
क्या मतलब, मेरे पास अब दो कॉइल्स हैं, ठीक है, तो ड्रॉ करने को तो मैं जैसे भी ड्रॉ कर दूंगा, जैसे कि एक ये हो गया सर्किट और एक हो गया मेरे पास, लेट अस से ये, ओके। और यहाँ पर मेरे पास दो कॉइल्स हैं, ठीक है, एक कॉइल हो गया यहाँ और एक कॉइल हो गया यहाँ। तो ये मेरे पास दो कॉइल्स हो गई एंड दीज आर टू सर्किट्स। तो एक जगह पर मैं यहाँ पर बैटरी लगा देता हूँ, तो इसमें मैंने करंट भेज दिया, ठीक है। तो बैटरी लगाने का क्या होता है सिस्टम, बैटरी लगाओगे जब आप, जब आपने की ऑन की, तो सबसे पहले करंट जीरो है, और बैटरी ऑन करने के बाद कुछ समय के बाद ही, लाइक मिली सेकेंड्स में ही, विद इन 1 सेकेंड, आपके पास जो करंट है वो इनफाइनाइट हो जाता है। कहने का अर्थ है मतलब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है। तो ये जो बीच में छोटा सा ट्रांजिएंट है उसमें करंट वेरी होता है, लेकिन उससे बाद करंट कांस्टेंट हो जाता है। मतलब पहले भी करंट कांस्टेंट है, दैट इज करंट इज इक्वल टू जीरो, स्विच ऑन करते ही करंट इंक्रीज हुआ और आई करंट बन गया, और आफ्टरवर्ड्स करंट आपका आई ही रहा। तो छोटा सा जो टाइम आया वो ट्रांजिएंट टाइम है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट करंट। तो ये बात सिर्फ ट्रांजिएंट करंट की हो रही है। अगर मैं इसकी जगह बोलूं कि नहीं मैंने एसी करंट यूज कर दिया या मैंने कोई और करंट यूज किया जिसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल था, दैट्स अ सेपरेट केस। ओके, ट्रांजिएंट करंट का टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में है, तब करेंगे। तो अब यहां से जब मैंने बैटरी लगाई तो करंट स्टार्टेड फ्लोइंग थ्रू द कॉइल वन। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके अंदर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड रेज चली गई, तो इसके अंदर भी फ्लक्स चेंज हुआ। तो पहले फ्लक्स जीरो था, लेकिन अब ये फ्लक्स फाइव हो गया। तो उसको अपोज करेगा ये वाला सर्किट, और यहां पर मेरे पास एक करंट फ्लो करने लगेगा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। व्हाई? बिकॉज इट वॉन्ट्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड ऑफ इट। तो यहां पर जो इंडक्शन हो गई, अब मैं वो पूछना चाहता हूं कि भाई ये कितनी इंडक्शन हुई। सो लेट अस गिव सम नेम्स टू दीज, लेट अस कॉल दिस वन एंड दिस टू, ठीक है। तो अब यहां पर कैसे आएंगे बच्चे, इसमें ध्यान से आपने करना है। सेल्फ इंडक्टेंस फिर भी काफी इजी होता है, म्यूचुअल में कंफ्यूजन होता है। मैं यहां पे लिखूंगा फ्लक्स इन टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन फर्स्ट कॉइल। यहाँ पर टू और वन, वन टू लिखना जरूरी है। अब देखो कि सेल्फ इंडक्टेंस जब हमने किया था तो वहां पर मैंने वन या टू ये सब चीजें नहीं लिखी थी, कहीं पर भी देखो यहाँ पर फाइव और एल लिखा था, लेकिन फाइव टू और आई वन नहीं लिखा। लेकिन इन दिस केस आई हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन के मैं यहाँ पर ये चीज लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ दैट फाइव टू इज इक्वल टू, एक कॉन्स्टेंट लगा दिया एम, वेयर एम इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे हमने उसको बोला था सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस मतलब एक प्रॉपर्टी, जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, उसी प्रकार म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स प्लेस्ड टुगेदर। तो हमें उन्होंने कैलकुलेट करके बताया हुआ था कि भाई ये एम हमें इतना कॉन्स्टेंट की वैल्यू लेनी है। तो फाइव टू इज दिस, तो व्हाट विल बी द बैक ईएमएफ, ई टू विल बी माइनस ऑफ d phi 2 by dt, so that will come out to be tm ti 1 by। अब आप देखिए यहां पर आपको गिवन होगा कि जो मेरी फर्स्ट कॉइल है उसमें मेरा क्या वेरिएशन है करंट का। फॉर एग्जाम्पल दे कैन से कि मेरे पास यहां पर 5 एम्पियर पर सेकंड का वेरिएशन है, 1 सेकंड में 5 एम्पियर चेंज हो रहा है। अगर इस प्रकार की कोई वेरिएशन है तो मेरे पास डी आई बाई डी टी आपको पहले से गिवन है, दैट इज 5, और एम की वैल्यू भी आपको गिवन होगी एंड यू कैन फाइंड द बैक ईएमएफ। तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द बैक ईएमएफ इन योर क्वेश्चंस। तो यहां तक तो हो गया। तो अब हम करेंगे इसका एक स्पेशल केस। इसके भी एसआई यूनिट और ये सब सेम ही होता है। एसआई यूनिट इज हेनरी, बाकी चीजें मैं नहीं लिख रहा हूं। एंड डायमेंशंस, डायमेंशंस भी वही एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, यही थी ना, टी माइनस टू ए माइनस टू ही था, यस टी माइनस टू एंड ए माइनस टू।
तो ये हो गया आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो नाउ वी आर गोइंग टू द एप्लीकेशन पार्ट. सो लेट अस फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर सोलेनोइड्स. अब यहां पर मैं एक स्पेशल केस लेने वाला हूं बच्चे, कि ये जो सोलेनोइड मैं लेने वाला हूं ये कैसे लूंगा. अब आपको इस बात को ध्यान से देखना है. तो मेरे पास यहां पर दो सोलेनोइड होंगे एंड बोथ ऑफ देम विल बी कोसेंट्रिक. वो होंगे कोसेंट्रिक. कोसेंट्रिक मतलब इस तरह से. एक ये हो गया और ये वाली लाइन मैंने मार दिया है, मैंने डॉटेड मारी है लेकिन ये ठीक है, इस बात को ध्यान रखना. अब ये चीज हो गई. अब इसके ऊपर मैं बिल्कुल एक और कॉइल ड्रॉ करने वाला हूं ओवरलैपिंग इट, ठीक है, और मान के चलूंगा कि उसकी लेंथ भी ऑलमोस्ट सेम है. ओके it will be like this. Is it clear? ठीक है ना, ये overlapping coils हैं. तो यहां पर मैं ये बना सकता हूं कि दिस इज कोसेंट्रिक. कोसेंट्रिक ओवरलैपिंग. नाउ व्हाई आई एम चूजिंग दिस पिकुलियर केस. अब इसको चूज करने के पीछे रीजन ये है कि अगर मैं यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना चाहूं तो मेरे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला मैंने अभी तक आपको नहीं करवाया जिससे आप ये बता सको कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कॉइल टू बिकॉज ऑफ वन. क्योंकि सोलेनोइड के केस में तो हमें तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट इनटू एनआई. तो म्यू नॉट एनआई तो होता है सोलेनोइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसका. तो अब हमें तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, तो फॉर दैट रीजन वी हैव टू चूज दिस पिकुलियर केस. चलो चलते हैं. तो इसके आगे मैं गया तो मैं यहां पर लिखूंगा वी नो फाई टू विल बी इक्वल टू एम इंटू आई वन. सिमिलरली या आई कैन से ऑल्सो फाई टू विल बी इक्वल टू. अब फाई टू मैं सेकेंड कॉइल की बात कर रहा हूं और मैं दोनों कॉइल्स की लेंथ को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल लेके जा रहा हूं. तो देर इज ओनली वन लेंथ दैट इज एल, ठीक है. लेकिन अगर आप उसको अलग अलग रखोगे तो अलग अलग भी रख सकते हो. तो लेट अस सी. तो अभी आ गया हम एम इनटू आई वन. तो फाई टू को मैं यहां पर लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल टू बिकॉज ऑफ वन बी टू वन. सो यू कैन कॉल इट बी वन. बी टू वन की जगह बी वन. मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ कॉइल वन बी वन मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द कॉइल टू. क्योंकि मैं फ्लक्स फाइंड कर रहा हूँ बी इन टू ए, तो एरिया ऑफ द कॉइल टू करूंगा तो मैं करूंगा एन टू इन टू ए टू. और थीटा मैंने फिर से जीरो ले लिया, तो थीटा को तो आप जीरो ले लो. तो ये तो फिर से कॉस जीरो वन हो गया. तो ये मेरे पास बन जाता है बी वन एन टू ए टू. सो फ्रॉम हियर नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी वन. तो B1 है जो मेरे पास इस सोलेनोइड का है, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा म्यू नॉट एन वन आई वन इंटू एन टू इंटू ए टू. ध्यान देना है कि कहां पर मैंने कैपिटल N लिखा है और कहां पर मैंने स्मॉल N लिखा है. तो ये मेरे पास बन गया N0. अब इसको मैं कर दूंगा कैपिटल N1 डिवाइडेड बाय L1, पहली की लेंथ 1 मल्टीप्लाई बाय N2 इंटू A2. So now I can write it as, अब I1 को मैं अलग कर देता हूं mu naught n1 n2 divided by l1 into I1. So now comparing the equation number 1 with equation number 2, I got the value of m and the mutual inductance for this case will be given by divided by L1.
एल वन मैंने लिख दिया, आप उसको सिंपल एल भी लिख सकते हो बिकॉज इट इज टेकन सेम फॉर बोथ ऑफ देम. तो ये मेरे पास आ गया म्यू एम इज इक्वल टू दिस. सो आई विल राइट इट एज म्यूचुअल इंडक्टेंस. बस बहुत ज्यादा लंबी लाइन लिखूंगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस वो सेंट्रिक ओवरलैपिंग सोलेनोइड्स एंड ऑल दैट. तो ये आपको पता है. तो ये हो गया आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला. हाँ भाई बच्चे, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ सकता है. नो सर. हावी, मोहित, जशन. नो सर. नो सर. ठीक है, तो अब देखो हमने इसमें आज क्या क्या किया, मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं. सबसे पहले हमने किया सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन, और उसके बाद हमने बैक ईएमएफ के बारे में पता किया. यूनिट्स पता चल गए मुझे, डायमेंशंस पता चल गए मुझे, जो कि मुझे याद हो गए हैं. और उसके बाद फिर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड, ये मेरा पहला एप्लीकेशन था, मैंने इसको करके देखा. जब मैंने इसको किया, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन, तो बिल्कुल इसी केस में इसी की तरह मैंने रिंग में करके दिखाया. तो बच्चे यहाँ पर मैं फिर से पॉइंट आउट करूंगा कि दिस इज अ जनरल मेथड एंड यू कैन अप्लाई इट टू एनी केस, वट एवर द केस बी, वो क्वेश्चन आपको गिवन होगा कि भाई सो एंड सो केस के अंदर आप सेल्फ इंडक्शन फाइंड करो, सो एंड सो केस के अंदर आप म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड करो. तो वो आपको सारे के सारे करने पड़ सकते हैं. तो जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम उसको देखते रहेंगे. एग्जांपल्स मैं आपको करवा चुका हूं. तो अब इसके बाद इस चीज को हमने एक अलग इंस्ट्रूमेंट बना लिया, और ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं इंडक्टर. सो नाउ हियर आई हैव इंट्रोड्यूस यू विद द थ्री एलिमेंट्स ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर. ठीक है, और ये बन गया मेरे पास इंडक्टर. ठीक है, तो इंडक्टर को हम ऐसे शो करेंगे, और उसके मैंने कॉम्बिनेशंस भी बना दिए, सीरीज भी बता दिया और पैरेलल भी बता दिया. तो हमने पाया कि इनमें बिल्कुल डिट्टो सेम हो जाता है, लेकिन कैपेसिटर में उल्टा होता है. रेजिस्टर में अलग होता है और कैपेसिटर में उल्टा होता है. तो ये आपके हो गए सारे के सारे कॉम्बिनेशंस. इनको हम थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे, दोबारा करेंगे मैं कहूंगा आगे आने वाले चैप्टर में. ठीक है, तो यहां पर मैंने इंडक्टर की इंट्रोडक्शन दी आपको, व्हाट इज एन इंडक्टर. उसके बाद हम चलते हैं व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन दिया, डेफिनेशन देने के बाद यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एंड इसका हमने किया सिर्फ एक ही एप्लीकेशन. इसके और बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि चलो थोड़ा सा टाइम है, एक एप्लीकेशन आपको मैं और एग्जांपल देता हूं. रिंग्स. ओके, तो ये हो गया मेरे पास इसका एप्लीकेशन टू, और इसका भी ये एप्लीकेशन वन. वैसे तो मैं यहां पर भी लेक्चर को क्लोज कर सकता हूँ, बट एनीवेज पहले भी दो एग्जांपल करवाए हैं तो अभी भी करवा देते हैं. देखो मेरे पास अब यहाँ पर दो रिंग्स हैं, ठीक है, और एक बड़ा हो गया रिंग और एक छोटा रिंग, कंसेंट्रिक रिंग लाइक दिस. सुनो, हमेशा ही जब भी हमें ऐसा दिया होगा तो उन्होंने देना है कि देर आर टू रिंग्स आर वन आर टू, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दीज टू. इसके अलावा कुछ गिवन ही नहीं होगा, कौन सी कॉयल में करंट गया हमें गिवन नहीं होगा. तो हम अजम्पशन लगाकर चलेंगे कि जो कॉयल बड़ा है उसमें करंट गया. तो मेरे पास गिवन नहीं था, तो मैंने यहां पर अजम्पशन लगा लिया कि भाई बड़े वाले कॉयल में करंट है. अजम्पशन, तो ये मैंने अजम्पशन लगाया कि भाई इसमें करंट है एंड इट इज वेरिंग विद डी आई बाय डी टी. आई वन करंट है जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी हो रहा है, एंड नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दीज टू कॉइल्स. सो कैसे करेंगे, तो फाइ टू, अब टू आ गया तो वन एंड टू मुझे लिखना पड़ेगा, तो ये वाली होगी कॉइल नंबर वन, ये हो गया कॉइल नंबर टू. तो फाइ टू इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टू आई वन, एंड ऑल्सो फाइ टू इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड लिख दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा बी वन, वन कॉयल का सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मल्टीप्लाई बाय द टोटल एरिया ऑफ द सेकंड कॉयल, सो दैट विल बी टेकन एज एन टू इन टू ए टू, बिल्कुल पुरानी तरह. लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मेरा कुछ और लगेगा. सोलेनोइड के केस में इट वॉज म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पर हमारे केस में ये मैं बी रिंग का लगाऊंगा जो कि मेरे पास था म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाय आर, तो इसको मैं लिख लेता हूँ ए, ठीक है, इंटू टू पाई. So that is total magnetic field
जो कि मैंने पिछले चैप्टर में किया था, ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ क्रंच। तो यहां पर आया और आई मैंने लिख दिया आई वन सिंपल, और मैग्नेटिक फील्ड ओके। और यहां पर मैं एन वन भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास एन की भी नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये मेरे पास बन गया म्यू नॉट एन वन एन टू इंटू ए टू इंटू टू पाई इंटू आई वन डिवाइडेड बाई फोर इंटू पाई इंटू ए। तो टू पाई से ये कट गया और यहां पर आ गया टू। So now comparing the equation number 1 and equation number 2. So we got that mutual inductance is given by two A, or you can call R1, okay, twice of R1. तो रेजिस्टेंस वन सॉरी रेडियस वन ये हो गया आपके पास। सो दिस इज हाउ वी डू इट फॉर ऑल काइंड ऑफ थिंग। आपको कोई भी चीज है, आप जैसे अगर मैं यहां पर अगर मैं स्क्वायर रिंग दे दूंगा तो भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर फाइंड करना होगा और इसमें मैं वैल्यूज पुट करूंगा और मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। सो विद दिस आई थिंक एवरीथिंग इज नाउ ओवर। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम इसमें तो आप बता दो। नहीं सर। नहीं सर, ओके देन। सो आई थिंक दिस इज वेयर वी से गुड बाय। तो अब इसके बाद बच्चे आप जो आपका डीपीपी है मैंने वो अपलोड कर दी है आपके पास, ठीक है।